काफी मेहनत लगता है भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारा ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो गाइस, आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गाय घाट के पास। मरीन ड्राइव बन रहा है, इसका आज अपडेट लेने के लिए कि गाय घाट के बाद से ये किस तरफ टर्न लेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है पुल के नीचे का जो पार्ट है, ये बना हुआ है और ये थोड़ा सा झुका हुआ है। इसका रीज़न ये है कि राजा घाट के बाद ये थोड़ा सा टर्न होगा। आई होप सो गाय घाट में एक चौराहा बनेगा, वहां से कई रास्ते निकाले जाएंगे। तो चलिए पता करते हैं कि गाय घाट के बाद इसका रूट किस तरफ से होने वाला है, थोड़ा सा टर्न करेगा तो किस और टर्न करेगा। तो उसी जगह हम लोग अभी आ पहुंचे हैं, तो चलिए आपको एक नज़र दिखाते हैं और जो भी वर्कर हमें मिलेंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये किस तरह से बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं। इस तरफ अगर जाते हैं तो ये आलमगंज थाना की तरफ चला जाता है और इधर शायद क्वार्टर वगैरह है। चलिए चलते हैं, इधर भी कुछ पार्ट बने हुए हैं इस मरीन ड्राइव के, तो उसे भी हम लोग देखने चलते हैं। तो जैसे कि सामने देख सकते हैं आप, वहाँ पे वो पुल का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे का जो पार्ट है वो भी वहाँ पर बना हुआ है। इट मीन्स जितने भी आप एरिया देख रहे हैं ये सारे के सारे तोड़ कर हटाए जाएंगे और ये कुछ इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसका। तो ये था कुछ पीछे का पार्ट जो भी टूटने वाले हैं और अभी हम लोग चलेंगे आगे भी। जहाँ से ये मरीन ड्राइव टर्न होगा हम लोग अभी वहाँ भी जाने वाले हैं और देखेंगे कि राजा घाट के पास से ये कहाँ से ये टर्न होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ का तो एरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये कौन सा एरिया है। तो यहाँ पे एक वर्कर हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, चलिए उनसे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपडेट लेने की कोशिश करते हैं आखिर क्या रीज़न है कि ये जो पुल है बिल्कुल सीधे सीधे ना जाकर ये थोड़ा सा टर्न हो रहा है। तो आइए मिलते हैं इनसे। भैया नाम बता दीजिएगा। पवन कुमार। तो पवन कुमार जी है हमारे साथ, इसी में ये काम करते हैं। तो हम लोग को बस एक जानकारी चाहिए थी, जो भी व्यूवर्स है वो देख रहे हैं, क्या रीज़न है कि ये बिल्कुल गाय घाट से बिल्कुल सीधे सीधे नहीं मिलेगा, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। जेटी के कारण नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जेटी की वजह से वो जो है अपना जगह नहीं दे रहे हैं इस पुल को आगे गुजरने के लिए, जिस कारण से इस मरीन ड्राइव का रुख जो है वो थोड़ा सा बदलने वाला है। यहाँ पे टर्निंग होने वाला है गाय घाट के पास, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो अब ये यहाँ से मिलते हुए बिल्कुल फिर जाएगा भद्रघाट की तरफ। भद्रघाट के होके जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से टर्न लेगा और टर्न लेकर के भद्रघाट जाकर के बिल्कुल सीधे सीधे रूट में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो गाय घाट में एक ये कुछ चौराहा टाइप का ये बनने वाला है क्या? हाँ। कि रूट निकाला जाएगा यहाँ से, चौराहा बनेगा, पहले रूट निकलेगा इसे। अच्छा, तो काफ़ी कुछ जानकारी मिली हमें पवन भाई से और अब हम लोग उस जगह भी जाने वाले हैं जिसे हम लोग गाय घाट पोर्ट कहते हैं, वो जगह भी आपको दिखाने वाले हैं यहाँ से चलने के बाद। पहले एक व्यू यहाँ का ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम वहाँ का दिखाते हैं सीन क्या है। तो भाई काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैं ऊपर इस देखिए जो बन रहा है इसके ऊपर मैं चढ़ चुका हूँ। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा उसके बाद आप लोगों के लिए व्यू दिखाने के लिए आपको कि किस तरह का ये दिखने वाला है और किस तरह से ये बनने वाला है। सो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और ये जो देख रहे हैं मैं इस पर ही चढ़कर ऊपर आया हूँ और भाई ये दिखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा और अगर चढ़े तो पलट जाएगा, लेकिन यकीन मानिए भाई बहुत ज़्यादा हैवी है। इसी पे इतने भी जो पिलर जो खड़े होते हैं, पिलर जो बनते हैं, जो भी नीचे का स्ट्रक्चर वो बनता है इसी पे खड़े किए जाते हैं। तो सोचिए कितने वजनदार है, काफ़ी मेहनत लगता है भाई। और सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये चीज़ बीच में आ जाता है। हाँ। और देखिए इतना हैवी है, ये हिल तक नहीं ना, हिला थोड़ा सा हिला लेकिन ज़्यादा करने का नहीं है, तो ये कब गिर जाए सही से क्या नाम। तो ये है मशीन है
काम चल रहा है। सामने महात्मा गांधी सेतु पुल है, अंदर आने की परमिशन मिल गई है, काम चल रहा है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और अच्छे से जाना पड़ेगा। भाई पीछे दिखने को मिल रहा है, कुछ बन रहा है, इसे कहते हैं आई गार्डर। यहाँ पे सर हैं, इन्होंने बताया कि ये आई गार्डर है। यह किस तरह से इसका यूज़ जो बन रहा है ढांचा, सर क्या यूज़ होगा सर से पूछते हैं, सर बता दीजिए। इधर जो हम आई गार्डर करते हैं ना, हाँ, इसको प्री कास्ट बोलते हैं। अच्छा, प्री कास्ट का मतलब ये अगर कास्टिंग करके हम उसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पर गार्डर चढ़ाते उसके बाद में हम स्लेब डाल देंगे। अच्छा, गार्डर चढ़ाने के बाद इस पर स्लेब डाल सब जितना आपका प्रदर्शन करते हैं प्रदर्शन, हाँ, उसको डालने के बाद में हम हाँ स्लेब सर्टिंग लगा के स्लेब करेंगे। अच्छा, तो ये जो बन रहा है, ये जो है ढांचा जिसको हम नीचे का जो बेस बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रदर्शन? ये हम बोलते हैं पियर कैप। पियर कैप कैप। अच्छा, इसको पियर कैप, पियर की पिलर का है। अच्छा, पियर कैप। अच्छा, जैसे पियर कैप बोलते हैं, और ये उस तरफ से टर्न होते हुए आएगा ना पुल के नीचे नीचे, तो ये पुल के नीचे नीचे आएगा और यहाँ से भी बिल्कुल टर्निंग है। काफ़ी देखने में मज़ा आने वाला है जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, बेसब्री से इंतज़ार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना जानकारी देने के लिए। यही है वो जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नदी पे है, जो सामने आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नदी पे है। और इस तरफ अगर आते हैं, यहाँ से टर्न होकर ये आ गई है ज़मीन पे, और इस तरफ से अगर टर्न लेते हैं तो यहाँ पे भी एक बना हुआ है, तो ये होते हुए वो जाएगी गाय घाट कंटाई घाट, और कंटाई घाट से होते हुए वो जाएगी बद्र घाट, उसके बाद बद्र घाट के बाद से वो वापस फिर से इसी सीध में चली जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ से लेकर भद्रघाट तक ये जो है इसका टर्निंग होने वाला है। बहुत लोगों का कहना ये था कि ये बिल्कुल गाय घाट से सीधे जाएगी, लेकिन पोर्ट वालों का ज़मीन ना देने के कारण ये थोड़ा सा टर्न लेगी। तो देखने लायक होगा कि भाई किस तरह का ये बनने वाला है, वो देखने लायक होगा, तो बनने के बाद ही पता चलेगा हम लोगों को। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है पटना। चीज़ें हैं ये तो मरीन ड्राइव की बातें हो गई, और यहाँ पे एक साथ ही साथ हम लोग को और भी खुशखबरी की बात है कि भाई अभी दूसरा जो पैरेलल में बनने वाला था गंगा ब्रिज, जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, वो बनने वाला था इसके जस्ट पैरेलल में, उसका भी काम यहाँ पे शुरू हो गया है। पाइलिंग कैप का काम चालू है, जो ये ढांचा बनने के बाद इससे गंगा नदी में उतारा जाएगा, फिर उसमें सीमेंट डाला जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों चीज़ें मरीन ड्राइव और महात्मा गांधी सेतु पुल है, उसका पैरेलल भी पुल हम लोग को दिखने वाला है एक साथ, तो दोनों का काम साथ ही साथ चल रहा है, देखते हैं कौन सा पहले बनकर तैयार होता है। तो भाई ये था पटना मरीन ड्राइव का लेटेस्ट अपडेट, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए।